दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट से कौन पैसा कमा सकता है, मतलब किस टाइप का इंसान शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में जो बंदा खुद को पका सकता है, ठीक है, वो अच्छा पैसा कमा सकता है। शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पेशेंस चाहिए, सब्र आपको रखना पड़ेगा और ट्रेनिंग, आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ज्ञान के शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते, बिना पेशेंस के आप पैसा नहीं कमा सकते और खुद को पकाना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला बिजनेस है ये, ठीक है। और इसमें आपका इंटरेस्ट सबसे पहले होना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि बस दूसरों की सुन के, इधर उधर की सुन के, इधर उधर के रिजल्ट्स देख के आप खुश हो गए, आप मोटिवेट हो गए कि भाई ये कमा रहे तो मैं भी कमाऊंगा। वो बात सही है कि वो कमा रहे तो आप भी कमाओगे, एक ना एक दिन आप भी कमाओगे, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, कमाओगे ही कमाओगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट इसमें जागना चाहिए, मतलब धीरे धीरे सही लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में आपको ना खुद को पकाना पड़ेगा, पकने वाला बिजनेस है, इसमें आपको खुद को बहुत पकाना पड़ेगा। इसमें इतनी सारी चीजें निकल करके आती है, मतलब ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि हर कोई एकदम से, मतलब बस सिर्फ सुन के ही ना घुस जाए इसमें, इसके ऊपर प्रॉपर वो स्टडी करे कि क्या वो इस काम को संभाल पाएगा, इस काम को कर पाएगा। बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसको कर रहे हैं, उनसे पूछो, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। शेयर मार्केट का बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। इसमें आपको जो दिमाग है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक भारीपन सा लगेगा, जो मैंने महसूस किया है। मतलब ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, बाकी सब लोगों का अलग 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 सोच विचार हो सकते हैं इस बिजनेस को लेकर। तो शेयर मार्केट में आपको खुद को पकाना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग तो जरूर लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के आप इसे कर ही नहीं सकते। बिना ट्रेनिंग के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब बेचना है, कब नहीं बेचना है और स्टॉप लॉस कब लगाना है। मतलब इसमें देखो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएगी, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इमोशंस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो दोस्तों कोविड से पहले शेयर मार्केट में काम करने वालों की जो संख्या थी ना भारत में, वो 1.5 से 2 करोड़ थी। कोविड के बाद ये एकदम से 5-6 करोड़ चली गई। अब कोविड खत्म हुआ तो फिर से घटने लग गई संख्या, क्यों, इसका रीजन क्या है? लोग बहुत तेजी से बाद में छोड़ने लगे, वो तो चलो आते जाते हैं, जाते जाते हैं, मतलब आते भी हैं जाते भी हैं, तो आते जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो जाते हैं वो वापस भी आ जाते हैं, तो डेटा तो कम ज्यादा होता रहता है। तो छोड़ते क्यों हैं लोग? ज्यादातर लोग छोड़ भी देते हैं, ठीक है, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि समझ में नहीं आता, सिरदर्दी वाला बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें, तो ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब 2-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप इसे करने लग जाओगे, मतलब इसमें कमाने लग जाओगे। ये जो बिजनेस है ना, कम से कम 1 साल का बिजनेस है। 1 साल आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1 साल तक इन्वेस्टर मत बनो, ट्रेडर बनो, 1 साल तक ट्रेडर रहो। ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है? ट्रेडर मतलब सिर्फ ट्रेडिंग करना, छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना और उसको सीखना, सीखना जरूरी है, ठीक है। बाकी जो बिजनेस है वो नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड कि उसमें बहुत कुछ सीखना है। ये शेयर मार्केट का बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसको बहुत ही ज्यादा सीखना होता है और आदमी सारी जिंदगी सीखता है इसको। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको सारी जिंदगी सीखा जाता है, इसमें आप सारी जिंदगी सीखोगे और जितने ज्यादा आप इसमें पुराने होते जाओगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे पैसा कमाने के, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल धीरे 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 आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग आपको कंटिन्यू रखनी है, आपकी बीच में छोड़नी नहीं, आपको 2-3-4 महीने का गैप नहीं देना, ठीक है, नहीं तो आपको फिर से वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब बहुत कुछ आगे पीछे हो जाती चीजें। कहने का मतलब ये है, इसको वही इंसान कर सकता है जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। और सबसे पहले नंबर वन पे आता है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कितना है इसमें, ठीक है। और वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है, मतलब किसी भी वजह से आपका इंटरेस्ट इसमें जाग सकता है। देखो अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आप पैसे कमाने के पीछे भागोगे कि भाई पैसा आए। शुरू में पैसा नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो शुरू में 6 महीने तक भूल जाओ कि पैसा आएगा, 6 महीने तक सिर्फ प्रैक्टिस करो। और इसमें आपको कम से कम डेली ना 4-5 घंटे देने पड़ सकते हैं,
जो बोलते हैं 1 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो, आधे घंटे से कुछ भी नहीं होता भाई। इसमें टेक्निकल चार्ट देखना होता, फंडामेंटल देखना होता, न्यूज भी देखनी होती है और प्रैक्टिकल करना है इसको, खरीदना बेचना ये वो अटरम सटरम बहुत कुछ, मतलब खिचपिच सी मची हुई है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिजनेस आपको करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। ये एक ऐसा मैदान है, अगर आप यहाँ पे टिक गए, खुद को टिका लिया, खुद को पका लिया, तो आप करोड़पति बन के निकलोगे, पूरी गारंटी इस चीज की। जितने लोग आज पुराने हो चुके हैं करोड़पति है सारे के सारे, कोई लखपति नहीं है। तो इसमें ऐसा ही होता है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग 1 साल की ट्रेनिंग में भी 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो भाई इसमें बिना ट्रेनिंग के एंट्री मत करो, ट्रेनिंग लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो इस पे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो और सब्र रखो, और कम से कम 4-5 घंटा डेली दो। और ये नहीं कि मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में घुस गए, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए, ठीक है, इसमें घुस गए, उसमें घुस गए, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, सब कुछ सीख डाला, नहीं, सब कुछ सीखो, करो किसी एक को, इंट्राडे ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो तो उसी में करो, डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसी में करो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग करो, स्विंग कर रहे हो तो स्विंग करो, फ्यूचर कर रहे हो तो फ्यूचर करो, ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन करो, किसी एक चीज में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ये नहीं सारी चीजों में परफेक्ट होने की कोशिश करोगे, हो नहीं सकते हो। वो तो डिपार्टमेंट्स हैं सारे अलग अलग, इसमें तरीके होते हैं ना कमाने के, अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी एक तरीके को मजबूत कर लो तभी यहाँ से पैसा बना पाओगे, और बनाओगे ही। आपको उसका A to Z पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें आपका दिमाग पक जाएगा एकदम बिल्कुल ही। लेकिन दिमाग पकने के बाद जब आप खुद को पका लोगे ना इसमें, तो कमाओगे भी, ठीक है। बस यही है कि हर किसी के बस की नहीं है शेयर मार्केट को करना, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब कोई जॉब कर रहा है, पूरे दिन जॉब कर रहा है, फिर वो 1 घंटा 2 घंटा दे रहा है, नहीं कर पाएगा ठीक से। कोई बिजनेस कर रहा है अलग से बाहर, 1-2 घंटा दे रहा है, नहीं कर पाएगा। जो फुल डे ट्रेडर है ना, वही कामयाब होता है इसमें। कहने का मतलब यह है कि जो फुल डे ट्रेडर है, जो फुल डे ट्रेडिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, रोजाना उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, हर तरह से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा रहा है, मतलब ट्रेड कर रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वही इसमें कामयाब हो सकता है। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बहुत सारा पैसा नहीं लगाना इसमें, वो तो फिर खत्म हो जाएगा तुम्हारा पैसा, ठीक है। इसमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, बड़े बड़े ट्रेड नहीं लेने। तो इसमें पैसा खराब नहीं करना है, इसमें पहले ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिस करनी है, वही इंसान इसमें कामयाब हो सकता है। 6 महीने प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर कमाने की सोच रखना कि अब हम इसमें से कमाएंगे, ठीक है। शुरू शुरू में नुकसान भी होगा, 5-10-20-25 हजार रुपए का नुकसान भी हो जाएगा, तो वो उसको लेकर डरना मत, वो होगा ही होगा, वो प्रैक्टिस के दौरान तो होता ही होता है। फिर उससे पता चलता है ना कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई हमारी, हमने क्या कमी करी, किस वजह से हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, फिर उस वजह को जानो, उस पर प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो और खुद को पकाना सीखो, तभी यहाँ से पैसा कमा पाओगे, नहीं तो फिर यहाँ से कभी नहीं कमा सकते। आओगे जाओगे, फिर आओगे फिर जाओगे, फिर आओगे फिर जाओगे, तो ये आना जाना चलता रहेगा। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बार बार आते हैं, फिर बार बार छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि वो कमा नहीं पाते। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनको सब्र नहीं है, खुद को पका नहीं पाते, ट्रेनिंग ले नहीं पाते, लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन वाला बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, उसको वो झेल नहीं पाते, उस सिरदर्दी को झेल नहीं पाते, ठीक है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है इस बिजनेस में। ये कैसा बिजनेस है? तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो ना, साथ ही साथ ना मनोरंजन भी करते रहो, एंटरटेनमेंट वाली चीजें भी करते रहो, ताकि दिमाग शांत रहे। ये नहीं कि 24 घंटे इसमें लगे हुए हो तो सीख नहीं पाओगे, दिमाग में मतलब चीजें ऐसे बैठ मतलब घुस जाती है, उसके बाद उसको खाली भी तो करना है, फ्रेश अपने दिमाग को शांत भी तो करना है ना। तो शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो पेशेंस के साथ किया जाता है, मेहनत है, लेकिन साथ ही साथ दिमाग को ठंडा भी रखना है। यानी कि जल्दबाजी करनी है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, नहीं, सारी चीजें ठीक होंगी, आराम आराम से होंगी। सब्र रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा बहुत खुद को पकाना सीख लो, और अगर आप इसको झेल गए फिर आप कमा भी लोगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो, तो छोटी छोटी ट्रेड लो, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत सारा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, और किसी एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि सारी चीजें सीख ली, सारी चीजों में अपना दिमाग बांट दिया, वो कमा नहीं सकता यहाँ पे। तो ये तरीके होते हैं इसको सीखने के और यहाँ से कमाने के, ठीक है दोस्तों। अगर शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी बात आपको मुझसे पूछनी है,
तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।